एक लक्ष्य अपनाओ, उस लक्ष्य को ही अपना जीवन कार्य समझो, उसी को सोचो, उसी के सपने देखो और उसी के सहारे जीवित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो। दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो, यही सफलता का रास्ता है। स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी का यही विचार जिनके जीवन की बुनियाद बनी, इसी विचार की नींव पर जिन्होंने स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण किया और स्वामी विवेकानंद के विचारों को विवेकानंद केंद्र इस संगठन के द्वारा कार्यों में परिणत किया, ये उस व्यक्ति की कहानी है। ये कहानी भले ही ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की हो, लेकिन एक सामान्य मानव के असामान्य कर्तव्य के कई रंग बिखेरती है। साल 1963, कन्याकुमारी, भारत के दक्षिणी छोर का एक छोटा सा गांव, जहां तीन सागरों का संगम होता है। उसी समुद्र तट पर एक आदमी समुद्र के बीचों बीच एक शिला पर अपने सपने को साकार होते हुए देख रहा था। उस आदमी का नाम था एकनाथ जी। वो सपना स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक का था और वो शिला श्रीपाद शिला के नाम से परिचित थी। कहते हैं माता पार्वती ने अपने किसी अवतार में यहां पर तपस्या की थी। एक पैर पर खड़े हुए किए इस तप के चिन्ह आज भी यहां दिखाई पड़ते हैं। इसी शिला पर स्वामी विवेकानंद को अपना जीवन उद्देश्य प्राप्त हुआ था। 1963 का साल, पूरा देश स्वामी विवेकानंद की जन्मशती मना रहा था। उसी वक्त कन्याकुमारी की इस शिला पर विवेकानंद शिला स्मारक की कल्पना आगे आई थी, जिसे मूर्त रूप देने का जिम्मा एकनाथ जी को सौंपा गया था। एकनाथ जी का जन्म 19 नवंबर 1914 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के टिमटाला में श्री रामकृष्ण रानडे और श्रीमती रमाबाई के घर में हुआ था। बालक नाथ नागपुर में अपने बड़े भाई के घर पर रहता था और यहीं अपने जीजाजी श्री अन्ना सोहोनी के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उसका परिचय हुआ। एकनाथ जी ने संघ के माध्यम से राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए कार्य करने का निश्चय किया, किंतु डॉक्टर जी चाहते थे कि अपना जीवन संघ कार्य के लिए समर्पित करने से पहले एकनाथ जी अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लें। हिस्लॉप कॉलेज में, जहां वे दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे, वहां होने वाली बाइबल की अनिवार्य कक्षा में हिंदू धर्म की आलोचना ही अधिक चलती रहती थी। हिंदुत्व पर लगने वाले इन झूठे आरोपों का प्रतिकार करने की एकनाथ जी की तीव्र इच्छा ने उन्हें गीता, उपनिषदों और विवेकानंद साहित्य के अध्ययन की प्रेरणा दी। अपनी स्नातक की शिक्षा पूरी करते ही वे संघ के प्रचारक बनकर जबलपुर चले गए। संघ के विभिन्न प्रशिक्षण वर्गों और गतिविधियों का आयोजन करते हुए वे एक अनुभवी आयोजक व संगठनकर्ता बन गए। आगे चलकर उनकी वक्तृत्व कला इतनी शक्तिशाली हो गई कि स्वयं श्री गुरुजी स्वयं सेवकों से कहा करते थे कि भले ही वे गुरुजी के भाषणों को भूल जाएं, किंतु एकनाथ जी की बातों को सदैव याद रखें। सन 1948 में जब गांधी हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो एकनाथ जी सरदार पटेल जैसे नेताओं से मिले और अपनी अकाट्य तर्कों द्वारा उन्होंने सिद्ध किया कि संघ केवल एक सांस्कृतिक संगठन है, आतंकी संगठन नहीं। उन्होंने उस समय इतना कुशल नेतृत्व किया कि कभी कभी तो उन्हें भूमिगत सर संघ चालक भी कहा जाता था। सन 1950 में वे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक बनाए गए, जो कि बंगाल, ओडिशा और असम से मिलकर बनता था।
पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की सहायता के लिए उन्होंने वस्तुहारा सहायता समिति का गठन किया। सन 1962 में स्वामी विवेकानंद के जन्म शताब्दी आयोजन के दौरान उन्होंने समग्र कार्य का एक संक्षिप्त संस्करण संकलित किया, जिसका शीर्षक था राउसिंग कॉल टू हिंदू नेशन, हे हिंदू राष्ट्र उत्तिष्ठ जागृत। केवल 2 माह में ही इस पुस्तक की 10,000 प्रतियां बिक गईं और लगभग सभी भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। इसी दौरान कन्याकुमारी के लोगों ने एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था उस शिला पर एक प्रतिमा की स्थापना करना, जिस शिला पर समाधि की अवस्था में स्वामी जी को अपने जीवन लक्ष्य का साक्षात्कार हुआ था। किंतु कुछ स्थानीय समूहों ने इस विचार का विरोध किया और अनेक राजनैतिक बाधाएं सिर उठाने लगी। इस समिति के सदस्यों ने श्री गुरु जी से मिलकर अनुरोध किया कि इस कार्य में सहायता के लिए एकनाथ जी को भेजा जाए। एकनाथ जी विवेकानंद शिला स्मारक समिति के संगठन सचिव बनाए गए। वे सभी राजनैतिक दलों के लगभग सभी नेताओं से मिले और उन्हें इस शिला पर स्मारक निर्माण के इस अभियान का समर्थन करने के लिए मनाया। उन्होंने केवल 3 दिनों में 323 सांसदों से, उस समय उपस्थित लगभग सभी सांसदों से हस्ताक्षर एकत्र किए। मुख्यमंत्री भक्त वत्सलम, जिन्होंने स्मारक का विरोध करते हुए कहा था कि वे अपने जीते जी इस स्मारक की अनुमति कभी नहीं देंगे, उन्होंने भी आगे चलकर प्रसन्नतापूर्वक इस कार्य में एकनाथ जी को सहयोग दिया। इस स्मारक के निर्माण हेतु आवश्यक 135 लाख रुपयों में से 85 लाख रुपए 1 व 2 रुपए का दान लेकर संग्रहित हुए। जम्मू कश्मीर और नागालैंड सहित प्रत्येक राज्य सरकार ने इस स्मारक के निर्माण हेतु योगदान दिया और ये सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रीय स्मारक बन गया। तथापि एकनाथ जी केवल इस स्मारक के निर्माण मात्र से संतुष्ट नहीं थे। उनका स्वप्न था एक ऐसे स्मारक का निर्माण जो केवल पत्थरों और ग्रेनाइट से ही ना बना हो, बल्कि अधिक जीवंत भी हो। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरित स्त्री पुरुषों से बना एक सजीव स्मारक। उन्होंने एक ऐसे संगठन की कल्पना की थी जहां मनुष्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण के 2 आदर्शों को साकार करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर कार्य करें। इसलिए कार्यकर्ता आधारित संगठन के रूप में विवेकानंद केंद्र की स्थापना से उनके व्यक्तित्व के क्रांतिकारी और दूरदर्शिता के गुण उजागर हुए। एकनाथ जी ने अत्यंत सतर्कता पूर्वक विवेकानंद केंद्र को आकार दिया और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि कार्यकर्ता विवेकानंदवादी ना बन जाए और केंद्र एक प्रमुख वैचारिक आंदोलन के रूप में विकसित हो। यहाँ तक कि आज भी समर्पित जीवन व्रति, सेवा व्रति, वानप्रस्थी व हजारों स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ साथ लाखों दानदाता, संरक्षकों और शुभचिंतक साथ मिलकर स्वामी विवेकानंद के उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं जिन्हें एकनाथ जी ने विवेकानंद केंद्र के माध्यम से आकार दिया था। विवेकानंद केंद्र ने सामान्य रूप से देश के सभी भागों में और विशिष्ट रूप से पूर्वोत्तर भारत में अपनी विभिन्न सेवा योजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक संस्थान, महिला सहभागिता, ग्राम विकास, प्राकृतिक संसाधन विकास कार्यक्रमों, वैदिक विजन फाउंडेशन, युवा मार्गदर्शन कार्यक्रमों, संस्कार वर्गों, योग वर्गों और स्वाध्याय वर्गों आदि के माध्यम से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। सन 1980 में जब संगठन मूर्त रूप ले ही रहा था, उसी दौरान अत्यधिक परिश्रम के कारण उन्हें मस्तिष्काघात हो गया, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी और दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा इस शारीरिक चुनौती से पूरी तरह उभर कर पूरे देश का व्यापक दौरा किया।
वे जानते थे कि समय बड़ी तेज गति से फिसलता जा रहा है। गतिविधियों को विस्तार देने की अपनी इच्छा के अनुरूप उन्होंने विवेकानंद केंद्र इंटरनेशनल की भी स्थापना की। यद्यपि वे जानते थे कि उस समय विदेशों की बजाय भारत में ही अधिक ठोस कार्य करना आवश्यक था। उनका ये विचार विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के रूप में कई वर्षों बाद साकार हुआ, जिसका उद्देश्य विश्व मंच पर भारतीय विचारधारा और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करना है। अंतिम क्षण तक एकनाथ जी अपने ध्येय पथ पर चलते रहे और यही कार्य करते करते 22 अगस्त 1982 को उन्होंने अंतिम सांस ली। एकनाथ जी ने भले ही अपना शरीर त्याग दिया हो, फिर भी शिला स्मारक के एक एक पत्थर में, विवेकानंद पुरम की एक एक ईंट में और विवेकानंद केंद्र के एक एक कार्यकर्ता के जीवन में एकनाथ जी का दर्शन सदैव होता रहेगा। एकनाथ जी ने ये जिम्मेदारी जब अपने कंधों पर ली तब उनकी उम्र लगभग 50 साल की थी। जिस उम्र में आदमी को अपना किनारा नजर आता है, उस आयु में एकनाथ जी समुद्र लांघने चले थे। एकनाथ जी ना तो कद्दावर नेता थे, ना बड़े पूंजीपति और ना ही वो प्रभावशाली धर्मगुरु थे। उनके पास कुछ था तो वो था उनका विश्वास और चुनौती भरा सागर।